भावसर क्षत्रिय समाज द्वारा पिछले करीब 405 वर्षों से चली आ रही खप्पर की परंपरा अंतर्गत रविवार की मध्य रात्रि में महाअष्टमी पर माता अम्बे का खप्पर निकाला गया। माँ अम्बे प्रातः 4:15 पर एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर निकली और भक्तों को दर्शन दिए। महाअष्टमी पर माँ अम्बे का स्वाग मनोज मधु भावसार व आयुष सुनील भावसार ने धारण किया। कार्यक्रम भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खप्पर आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर मोहन भावसार ने बताया कि हमारे पूर्वज जो हमें विरासत में देकर गए हैं, उनका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। यह भावसर क्षत्रिय समाज द्वारा सिद्धनाथ महादेव प्रांगण में 405 वर्ष से एक खप्पर का आयोजन चल रहा है। यह शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी को खप्पर निकाला जाता है। अष्टमी के दिन माँ अम्बे का खप्पर निकलता है। पहले गणेश जी आते हैं, फिर वहाँ अम्बे आती है, हनुमान जी आते हैं, और उसके बाद माँ अम्बे का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 6 तक माँ अम्बे का खप्पर निकलता है। और नवमी के दिन भी गणेश जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, उसके बाद में माँ कालंका का खप्पर निकलता है वही ब्रह्म मुहूर्त में। और सुबह जो है, सुबह सुबह जब दिन होती है ना, रात होता है, उसमें हम नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का खप्पर निकाल के नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करके दशहरे का पर्व मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन भावसार, भावसार क्षत्रिय खप्पर समिति अध्यक्ष। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।